हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड क्या होता है। जब हम माइंड की बात करते हैं तो साइकोलॉजी के भीष्म पितामह सिगमंड फ्रॉइड जो है, उन्होंने कहा था कि भाई हमको सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस ऐसे माइंड उन्होंने बता दिया था। और उन्होंने साइको एनालिटिक थियोरी एक प्रपोज की थी। अभी मैं उसमें तो डीप में जाने वाला हूँ नहीं, मैं बताने वाला हूँ सिंपल आपको कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। समझो हमारा माइंड एक 100% है और एक बर्फ़ की चट्टान है, और वो चट्टान समुंदर में है। तो बर्फ़ की चट्टान का 10% हिस्सा पानी के ऊपर आपको दिखेगा और 90% हिस्सा जो है वो पानी के अंदर दिखेगा। तो जितना पानी के ऊपर दिख रहा है, मतलब वो है, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस है ये कि वो है कॉन्शियस माइंड, मतलब व्यक्त मन, बाह्य मन। और जो बर्फ का चट्टान जो है, जो 90% हिस्सा पानी के नीचे है, उतना बड़ा सबकॉन्शियस माइंड रहता है 90%, उसको बोलते हैं अव्यक्त मन और अंतर मन। हमारा पूरा जो बॉडी का कंट्रोल है, हमारे पूरे लाइफ का कंट्रोल जो है, वो पूरा सबकॉन्शियस माइंड से होता है, कॉन्शियस माइंड से नहीं होता। कॉन्शियस माइंड में हम ठहराते कुछ भी है, मगर अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड उसको ओवर पावर कर लेता है और उसमें जैसा इम्प्रिंटिंग हुआ है वैसा ही वो करने लगाता है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पीने की जिसको आदत है, उसने कितना भी अपने मन में ठान लिया कि अभी मैं सिगरेट पीऊँगा नहीं, तो वो निर्णय लेता है कॉन्शियस माइंड से, और थोड़ी देर के बाद में उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि आज के दिन पी ले, बाद में फिर देख लेंगे, कल से बंद करेंगे। और सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑर्डर देता है और उसके पैर आप ही आप पान पट्टी की तरफ निकल जाते हैं और वो सिगरेट खरीद लेता है। सब शराब पीने वालों को मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है और शराब छोड़ना चाहिए, वो तय भी करते हैं और फिर बाद में टाइम आने के बाद में शराब पीना चालू कर देते हैं। सभी जो जिनका वजन ज़्यादा है, मोटे हैं, उनको मालूम है कि भाई इतनी ये मैंने फूड की आइटम खाई तो वो आइटम जो है वो शरीर को घातक है, मैंने जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मैंने फैट नहीं खाना चाहिए। और तभी भी समय जब आता है तो वो फैट खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, मीठा खाएंगे और उनका वजन बढ़ते जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको आखिर में कंट्रोल वही करता है। सबकॉन्शियस माइंड से पूरी हमारी क्रिया चलती है। 90% सबकॉन्शियस माइंड है, 10% कॉन्शियस माइंड है। मतलब एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको घोड़सवार और घोड़े का, तो घोड़ा जो है हॉर्स पावर वो है 90% घोड़ा, और घोड़सवार जो है वो 10% ही है। मगर गुड न्यूज़ ये है कि 10% ताकत रखने वाला घोड़सवार 90% घोड़े को कंट्रोल करता है और कंट्रोल कर सकता है, मतलब ये खुशी की बात है। तो जब हम कॉन्शियस माइंड से, बाह्य मन से हम कुछ ठहराते हैं तो अलग अलग तरीके हैं, उससे आप सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इम्प्रिंटिंग कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को बदला सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को टर्न अराउंड कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को जैसा अपने को चाहिए वैसा मतलब बदलाने के लिए अपन कोशिश करके उसको बदला के अपने जीवन में अच्छा परिणाम कर सकते हैं। और वो कॉन्शियस माइंड का काम है कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बदलना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जब तक बदल नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड जब तक ठहराता नहीं है, तब तक कुछ भी संभव नहीं। तो हमको ये देखना है कि भाई सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे, सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि समझो मैंने ये पूरा ऐसा ये रखा, ये समझो माइंड है, तो ऊपर है समझो 10% हिस्सा जो है वो कॉन्शियस माइंड है, नीचे का है जो सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक अंदर चीज घुसने देता नहीं है, वो अंदर जाने देगा नहीं, क्योंकि ये फिल्टर लगा हुआ है कॉन्शियस माइंड का। तो कॉन्शियस माइंड को तोड़ के, कॉन्शियस माइंड का फिल्टर बाजू में करके, कॉन्शियस माइंड को पार करके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें डालनी पड़ती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चीज़ चली गई, उसको पड़ गया, उसमें चेंजेस आना चालू हो जाएगा, तो अपने बर्ताव में लक्षण अच्छे दिखेंगे। तो ये कैसेट में इतना ही आपको बताऊंगा मैं। अगले कैसेट में मैं आपको बताने वाला हूं, अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भाई अभी सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचना। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में फिर मैं और इसके बारे में, हिप्नोटिज्म के बारे में बताऊंगा कि हिप्नोसिस क्या होता है, NLP क्या होता है, और उसके माध्यम से हम सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैं मनोविकार तज्ञ हूँ, सेक्स रोग विशेषज्ञ हूँ,
शराब व्यसन मुक्ति जो है उसका हम काम करते रहते हैं। हमारे पास में दो हॉस्पिटल है जहाँ हम व्यसनी लोगों को, मनोरुग्ण लोगों को हम रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं। हमारा हॉस्पिटल अकोला में है महाराष्ट्र में, और बॉम्बे, पूना, नागपुर, यहाँ भी हमारे हॉस्पिटल है। वहाँ आप हमारी सेवा का लाभ ले सकते हैं। हम ऑनलाइन भी लोगों को काउंसलिंग करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, उनके प्रॉब्लम सुलझाते हैं, और लोग हमको ऑनलाइन मदद जब मांगते हैं तो हम उनको ऑनलाइन भी उनको सलाह देते रहते हैं। आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड हिप्नोटिज्म इसके बारे में सवाल होंगे, सबकॉन्शियस माइंड तक इम्प्रिंटिंग कैसा करना, वहाँ तक कैसे पहुँचाना, ये सवाल होंगे। आपके जो भी परिचित है उनको ये जो वीडियो है ना फैला दो, शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जो उसको हिट करो, ताकि मेरे वीडियो के अगले बार मैं वीडियो डालने वाला उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले सबसे पहले आपको आ जाएंगे और आप देख सकेंगे। आपको ये वीडियो लगा तो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर फैला दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मिशन में हिस्सा लेने का उनको मौका मिलेगा। हमारा जो मिशन है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और व्यसन मुक्त भारत, अल्कोहल फ्री इंडिया, एडिक्शन फ्री इंडिया, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।